हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम क्लास सेवन इंग्लिश का पीटी वन का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे सो so दैट आपका एग्जाम के लिए रिवीजन हो जाए और आपको आइडिया लगे कि आपका इंग्लिश का पेपर किस टाइप से पूछा जाएगा आपके एग्जाम की ड्यूरेशन रहेगी डेढ़ घंटा और आपका टोटल पेपर रहेगा फोर्टी मार्क्स का यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद में आपको पेपर करना होगा आपके पेपर का सबसे पहला सेक्शन रीडिंग सेक्शन है जिसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज और ये रहेगा आपका फाइव मार्क्स का आपको पैसेज दे रखा है पैसेज को रीड करना है अंडरस्टैंड करना है फिर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसका आंसर आपको इस पैसेज के अंदर से देना है तो सबसे पहले हम पैसेज को रीड करते हैं कार्बेज इज अ ग्रेट डेंजर टू द एनवायरमेंट कार्बेज का मतलब होता है कूड़ा कचरा तो कूड़ा कचरा हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है इट कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ये कहाँ कहाँ से आता है वेस्ट पेपर से टिफिन पैकेजिंग प्लास्टिक बैग आइसक्रीम रैपर बॉटल कैप फॉलन लीव फ्रॉम द ट्रीज एंड मजमोर गार्बेज मेक्स द प्रिमाइसिस अगली नेग्लेक्टेड एंड जेनरेड डिजीज अभी इस कचरे से क्या क्या होता है एक तो हमारा घर गंदा होता है और दूसरी बात यह है कि इस कचरे की वजह से बहुत सारी डिजीज जनरेट होती है अ लार्ज अमाउंट ऑफ गार्बेज दैट इज थ्रोन अवे कंटेन मटीरियल दैट कैन बी रिसाइकल्ड एंड री यूज सच एज पेपर मेटल एंड ग्लास विच कैन बी सेंट टू द नियरेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर और डिपोज ऑफ एट द जंक यार्ड तो जो कचरा हम फेंकते हैं उसमें से बहुत सारा कचरा ऐसा होता है जिसको रिसाइकल और री किया जा सकता है जैसे कि पेपर मेटल एंड ग्लास जिनको क्या करना है हमको नियरेस्ट रिसाइकिलिंग सेंटर या फिर जो हमारा जंक यार्ड होता है वहाँ पर भेज के हम इसको डिपोज करा सकते हैं इट ऑल्सो कंटेन ऑर्गेनिक मैटर लाइक लीज दैट कैन एन रिथ सॉयल फर्टिलिटी तो देखिए जो हम कचरा फेंकते हैं उसमें ऐसा ऑर्गेनिक कचरा भी होता है जैसे कि पत्तियाँ जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं खाद बना सकते हैं जो कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अ कम्पोस्ट पिट कैन बी मेड इन अ कन्वीनियंट प्लेस वे वेस्ट कैन बी लेड आउट विद द लेयर्स ऑफ सॉइल एंड एन ओकेजनल स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर दिस वुड हेल्प द हेल्पोजिशन टू मेक वैल्यूएबल फर्टिलाइजर अब आपके सामने बात की जा रही कंपोस्ट पिट की तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि कंपोस्ट का मतलब क्या होता है कंपोस्ट का मतलब होता है खाद और ये खाद कैसे बनेगी जैसे हम डे टू डे लाइफ में हमारा जो खाने का कचरा बच जाता है उसको क्या करना है एक खड्डा खोदना है खड्डे के अंदर हम क्या करेंगे अपना जो वेस्ट है उसको डालेंगे उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और उसमें कभी कभी पानी को छिड़केंगे इससे क्या होगा धीरे धीरे वो खाना जो है जो वेस्ट था वो डिकम्पोज हो जाएगा और उसकी हेल्प से क्या बनेगा फर्टिलाइजर बनेगा तो इसको क्या बोलते हैं हम कंपोस्ट कहते हैं दिस वुड ऑल्सो प्रिवेंट द पॉल्यूशन दैट इज यूजअली कॉस्ड बाय द बर्निंग सच ऑर्गेनिक वेस्ट इसकी हेल्प से पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा क्योंकि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जिसको हम जला देते हैं उससे काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है लेकिन कंपोस्ट पिट की हेल्प से क्या होगा इस पोल्यूशन से बचाव होगा अभी जो हमने पैसेज पढ़ा अब उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पहला क्वेश्चन है गार्बेज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम गार्बेज का ऑरिजिन कहाँ से होता है ऑप्शन ए यूज पेपर टिफिन पैकेजिंग प्लास्टिक बैग्स एंड फॉलन लीव फ्रॉम द ट्रीज ऑप्शन बी लेफ्ट ओवर्स फूड ऑप्शन सी फॉलन ब्रांचेस फ्रॉम ट्रीज एंड ऑप्शन डी बिल्डिंग मटेरियल तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूज पेपर टिफिन पैकेजिंग प्लास्टिक बैग एंड फॉलन वीड फ्रॉम द ट्रीज अगला क्वेश्चन है गार्बेज कैन रिक्रिएट हैव वॉक टू द मेन काइंड बाय देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गार्बेज लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा विनाशकारी स्थिति किस तरीके से पैदा कर देगा ऑप्शन क्या है स्प्रेडिंग फाउल स्मेल फाउल मतलब होता है गंदी स्मेल स्प्रे, स्प्रे, स्प्रेड करके ऑप्शन बी स्लोइंग आर व्हीकल ऑन द रोड रोड पे व्हीकल को स्लो करके ऑप्शन सी स्प्रेडिंग सेवरल डिजीजेस एंड ऑप्शन डी ऑल द अबाउ तो इसका आंसर क्या होगा बहुत सारे बीमारी फैला के जो कार्बेज है वो लोगों के लिए बहुत ही विनाशकारी स्थिति को पैदा कर देगा अगला क्वेश्चन है वॉट हैपन्स टू द डिस्पोज मटीरियल एट द रिसाइकिलिंग सेंटर डिस्पोज मटीरियल का रिसाइकिलिंग सेंटर पर क्या किया जाता है ऑप्शन क्या है इट इज़ थ्रोन अवे वहाँ फेंक दिया जाता है ऑप्शन बी इट इज रिसाइकल फोर रीयूज रीयूज करने के लिए इसको रिसाइकल किया जाता है ऑप्शन सी इट इज़ सोल्ड टू द रैकपीकर रेकपीकर मतलब होता है जो कचरा बीनने वाले होते हैं उनको बेच दिया जाता है या फिर इट इज डम्प्ड इन टू द ग्राउंड या फिर ग्राउंड में डंप कर दिया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी इसको रिसाइकल किया जाता है ताकि इसको रीयूज़ किया जा सके अगला क्वेश्चन है फॉलन लीव फ्रॉम द ट्रीज आर यूजफुल बिकॉज दे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो पेड़ से पत्तियां गिर जाती है वो किस तरीके से यूजफुल होती है ऑप्शन क्या है सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फ्यूल वुड इन विलेज हाउस होल्ड देखिए गांव में क्या होता है कि हम चूल्हा जलाते हैं और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए होती है तो आपका ऑप्शन जो है वो ये कह रहा है कि जो लकड़ी जलाने की जो इनको फ्यूल होता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है अगला ऑप्शन क्या है एनरिच वाटर क्वालिटी वाटर की क्वालिटी को बढ़ाता है ऑप्शन सी एनरिच सॉइल फर्टिलिटी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है या फिर ब्यूटीफाई लैंडस्केप जो हमारा नेचर है उसको ब्यूटीफाई करता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी ये आपकी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज करेक्ट विद रेफरेंस टू अ कम्पोस्ट पिट कम्पोस्ट पिट के बारे में क्या करेक्ट है ऑप्शन क्या है द वेस्ट इज प्लेस्ड विद द लेयर ऑफ सॉइल विद एन ओकेजनल स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑप्शन बी इट टू द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल फर्टिलाइजर ऑप्शन सी इट प्रिवेंट पोल्यूशन एंड ऑप्शन डी ऑल द अबाउ तो देखिए बच्चों वेस्ट को लेयर में सॉइल के साथ मिक्स करके उसमें ओकेजनली पानी को छिड़का जाता है उसके बाद में यूजफुल फर्टिलाइजर बनाया जाता है और ये पॉल्यूशन से प्रिवेंट करता है तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबाउ अगला क्वेश्चन है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट ये भी आपका पैसेज है और ये आपका रहेगा फाइव मार्क्स का सबसे पहले हम पैसेज को रीड करेंगे रेनबोज आर ऑफन सीन वन द सन कम्स आउट आफ्टर और ड्यूरिंग रेन स्टॉम तो देखिए अक्सर हमको रेनबोज कब देखने को मिलते हैं जब बारिश हो रही होती है या फिर बारिश होने के बाद में सन निकलता है तब हमको रेनबोज देखने को मिलता है रेनबोज आर कॉस्ट वेन सनलाइट शाइन थ्रू ड्रॉप ऑफ वाटर इन द स्काई एट स्पेसिफिक एंगल देखिए रेनबोज की फॉर्मेशन कब होती है जब स्काई में बहुत सारी पानी की बूंदें होती है उन पानी की बूंदों में जब स्पेसिफिक एंगल से जब सनलाइट उसके अंदर एंटर करती है तभी रेनबोज की फॉर्मेशन होती है देखिए जैसे आपके सामने क्या है ये ड्रॉप है। जब इसके अंदर से वाइट सनलाइट एंटर करती है फिर इसके अंदर से कैसे निकलते हैं सेवन कलर्स निकलते हैं डिफरेंट एंगल इट प्रोड्यूस द रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वायलेट दैट यू सी इन द रेनबो टुगेदर दीज कलर आर नोन एज द स्पेक्ट्रम तो देखिए पानी के अलग अलग ड्रॉप्स होती हैं उन अलग अलग ड्रॉप में से अलग अलग एंगल से जब सनलाइट एंटर करती है तो फिर डिफरेंट टाइप के कलर्स निकल के आते हैं जिसको क्या कहा जाता है स्पेक्ट्रम कहा जाता है दिस कलर कैन समटाइम बी सीन इन वाटरफॉल्स एंड फाउंटेन एज वेल और ये जो कलर्स होते हैं हमको वाटर एंड फाउंटेन्स में भी देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर भी पानी की ड्रॉप्स होती है और इन ड्रॉप में जब स्पेसिफिक एंगल से सनलाइट चमकती है तो यहाँ पर भी रेनबो की फॉर्मेशन होती है Did you know that there are double rainbows? In double rainbow, light reflect twice inside water droplet and form two arc. In most double rainbow, the color of the top arc opposite from those in the bottom arc. इसको हम पिक्चर के थ्रू समझते हैं देखिए हमने अभी अंडरस्टैंड किया था कि जब पानी की ड्रॉपलेट के अंदर से जब व्हाइट सनलाइट जाती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर हमको नजर आता है और रेनबो बनता है लेकिन डबल रेनबो में क्या होता है कि जो व्हाइट लाइट एंटर करती है वो दो बार रिफ्लेक्ट करती है जैसे कि एक बार यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई और दूसरी बार यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई तो इसकी वजह से डबल आर्क बनता है इसको आर्क कहते हैं ठीक है ये आर्क है लेकिन अब ये जो डबल आर्क है वो इसका अपोजिट होगा जैसे कि वहां पर यहाँ पर क्या है वायलेट कलर नीचे है तो यहां पर क्या है वायलेट कलर ऊपर है रेड कलर यहाँ पर नीचे तो, तो यहाँ पर रेड कलर ऊपर है तो इस तरीके से जो डबल रेनबो होता है वो अपोजिट होता है ठीक है इन अदर वर्ड द ऑर्डर ऑफ कलर स्टार्ट विथ पर्पल ऑन टॉप एंड एंड रेड ऑन बॉटम यह हमें समझ चुका है इन एडिशन रेनबो सम अपेयर एज वाइट आर्क एट नाइट कभी कभी क्या होता है रेनबो रात को भी चमकते हैं एज अ व्हाइट आर्क के फॉर्म में चमकते हैं दीज रेनबोज आर कल्ड मून बोज इनको क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है मून बोज एंड आर सो रेयर दैट वेरी फ्यू पीपल विल एवर सी पन और लेकिन देखो दिन वाले रेनबे तो बहुत लोगों ने देखा होगा लेकिन जो मून बोज होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं कोई कोई देख पाता है मून बोज आर कॉज बाय मून लाइट रैदर देन सन लाइट शाइनिंग थ्रू ड्रॉप्स ऑफ वाटर तो देखिए रात को ना जो मूनबोज होते हैं वो सनलाइट की हेल्प से नहीं चमकते हैं वो चमकते हैं मून लाइट की हेल्प से ठीक है जब रात के टाइम बारिश हो रही है तो मून की जो लाइट अलग अलग एंगल्स के थ्रू पानी की ड्रॉपलेट के अंदर एंटर करेगी फिर उससे जो रेनबो बनेगा उसको कहा जाता है मूनबोज अभी जो हमने पैसेज पढ़ा उसकी क्वेश्चंस करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है रेनबोज और ऑफन सीन रेनबोज हमको अक्सर कब देखने को मिलते हैं ऑप्शन ए आफ्टर द सनसेट एट नाइट रात होने के बाद में जब सनसेट होता है तब या फिर वैन इट स्नोज जब बर्फबारी होती है तब बिफोर अ रेनस्ट्रोम बारिश होने से पहले या फिर आफ्टर अ रेन स्ट्रोम तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी आफ्टर अ रेन स्टोम अगला क्वेश्चन है वॉट कलर इज नॉट इन रेनबो रेनबो के अंदर कौन सा कलर नहीं होता ऑरेंज पिंक इंडिगो या फिर येलो तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी पिंक अगला क्वेश्चन है वॉट वुड बी गुड टाइटल फॉर दिस पैसेज जो हमने पैसेज पढ़ा है इसके लिए अच्छा टाइटल क्या हो सकता है द बेसिक अबाउट रेनबोज द हिस्ट्री ऑफ रेनबोज मूनबोज या फिर नन ऑफ द अबाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए द बेसिक्स ऑफ अबाउट रेनबोज अगला क्वेश्चन है राइट द वर्ड ऑफ सेम मीनिंग एज द वर्ड पर्टिकुलर आपसे पूछा जा रहा है कि जो वर्ड पर्टिकुलर है इसका सेम मीनिंग क्या होगा डिफरेंट समटाइम स्पेसिफिक या फिर ऑल द अबाउट तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पेसिफिक अगला क्वेश्चन है द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स लिटिल वाटर ड्रॉप अब आपने जो पैसेज पढ़ा है उसके अंदर से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल वाटर ड्रॉप तो आपके सामने ऑप्शन हैं ड्रॉपलेट्स रेनबो रेन या फिर इंडिगो तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट का मतलब होता है पानी की छोटी छोटी बूंदें आपके पेपर का अगला सेक्शन है राइटिंग इन ग्रामर सेक्शन ये देखिए आपको क्वेश्चन और भी दे रखा है मतलब या तो आपको ये क्वेश्चन करना है या फिर ये क्वेश्चन करना है लेकिन हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको जो इजी लगता है आप एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम रीड द फॉलोइंग कन्वर्जेशन केयरफुली तो यहाँ पर आपको कन्वर्जेशन दे रखी है राम और सोहन के बीच में स्टार्ट करते हैं राम कहता है आई एम राम अ फ्रेंड ऑफ मोहन इज इजी वो कहता है कि मैं मोहन का फ्रेंड राम बोल रहा हूँ वो कहाँ पर है तो सोहन कहता है ही हैज़ गोन टू द मार्केट कैन आई हेल्प यू प्लीज तो सोहन कहता है कि वो तो मार्केट गया है क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो राम कहता है ओ oh श्योर sure, प्लीज़ कन्वे टू हिम दैट today's म्यूजिक classes शैल रिमेन सस्पेंडेड बिकॉज द टीचर इज नॉट वेल द सेम विल हैल्प बी हेल्ड ऑन संडे कुड यू प्लीज पास दिस मैसेज टू हिम तो राम कहते हैं कि आज की जो म्यूजिक की क्लास होने वाली थी वो नहीं हो पाएगी क्योंकि टीचर की तबीयत सही नहीं है तो ये क्लास कब होगी संडे को होगी क्या तुम ये मैसेज मोहन को दे दोगे सोहन कहता हैं ओ oh, श्योर sure. राम कहता है थैंक यू एस सोहन इज गोइंग टू हिज ट्यूशन क्लासेज ही नीड्स टू राइट द मैसेज फॉर बोहन अब देखिए सोहन को ट्यूशन क्लासेस में जाना है तो जब मोहन आएगा तो सोहन यहाँ पे रहेगा नहीं तो उसको क्या करना है मोहन को मैसेज करना है इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका क्वेश्चन है वो उसमें आपको क्या करना है मैसेज लिखना है अगला क्वेश्चन क्या है यू आर राम या फिर रीना अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवेंथ ऑफ केंद्रीय विद्यालय आरा एज यू हैड लॉस्ट योर ज्योमेट्री बॉक्स यस्टरडे इन द प्ले ग्राउंड ऑफ द स्कूल यू नीड टू पुट अप अ नोटिस इन द नोटिस बोर्ड ऑफ द स्कूल नाउ राइट डाउन अ नोटिस ऑन इट तो देखिए बच्चों इसमें आपको नोटिस लिखना है तो सबसे पहले हम करेंगे मैसेज वाला क्वेश्चन तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है कैपिटल लेटर में मैसेज लिखना है उसके बाद में आपको डेट आपको लिखनी है उसके बाद में टाइम लिखना है उसके बाद में आपको जिसके लिए मैसेज लिखना है उसका नाम लिखना है डियर मोहन अब आपको यहाँ पर ज़्यादा फालतू बात कुछ नहीं लिखनी होती है जो आपको मैसेज देना होता है वो आपको लिखना है कैसे लिखेंगे टुडे योर फ्रेंड राम कॉल अपॉन यू व्हेन यू हैड बीन टू द मार्केट ही सेड दैट योर म्यूजिक क्लासेस शैल रिमेन सस्पेंडेड बिकॉज योर टीचर इज नॉट वेल द सेम विल बी हेल्ड ऑन संडे सोहन लिखने वाला कौन है सोहन है तो आपने केवल यहाँ पर मैसेज को लिखा है कि आज आप बाहर गए हुए थे तो किसका फोन आया था राम का फ़ोन आया था राम ने कहा है कि आज म्यूजिक क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि टीचर की तबीयत सही नहीं है वो क्लास कब होगी संडे को होगी लिखने वाला कौन है सोहन तो ये आएगा आपका पाँच मार्क का क्वेश्चन अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है नोटिस इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे आपके स्कूल का नाम होगा स्कूल का नाम अगर दे रखा होगा तो अच्छी बात है अगर नहीं दे रखा है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ स्कूल uh, में का नाम दे रखा था केंद्रीय विद्यालय आरा कैपिटल लेटर में हम यहाँ पर नोटिस लिखेंगे उसके बाद में जो हमारा टॉपिक है क्या है लॉस्ट ज्योमेट्री बॉक्स और फिर यहाँ पे हम डेट लिखेंगे क्या डेट है फर्स्ट अगस्त 2023 क्योंकि ये वीडियो आज बन रहा है इसलिए मैं आज की लिख रही हूँ दिस इज़ टू इन्फॉर्म दिस फ्रेंट दैट आई लॉस्ट माई geometry बॉक्स इन द प्ले ग्राउंड ऑन थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड थ्री तो हमको क्या मैंशन करना है कि हमारा जो ज्योमेट्री बॉक्स गुम हुआ है वो कौन से डेट को गुम हुआ है तो देखिए मेरा जो ज्योमेट्री बॉक्स गुम हुआ है वो कब गुम हुआ है थर्टी फर्स्ट जुलाई को गुम हुआ है अब मुझे पूरी इन्फॉमेसन देनी है अपने ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में इट इज़ कैमलिन ज्योमेट्री बॉक्स इट इज़ ब्रैंड न्यू विद ऑल द आर्टिकल सच एज कंपाज स्केल डिवाइडर इरेजर पेंसिल एट्सेट्रा तो मुझे ये बताना है कि जो मेरा ज्योमेट्री बॉक्स है वो एकदम नया है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें माई आइडेंटिटी कार्ड वॉज ऑल्सो इन इट मेरा जो आई कार्ड है वो भी उसके अंदर है इफ़ एनी बडी हैपन टू फाइंड इट काइंडली रिटर्न इट टू द अंडरस्टैंड अगर ये किसी को मिलता है मेरा ज्योमेट्री बॉक्स तो आप मुझे दे सकते हैं आपका नाम लिखना है अगर आप बॉय हो तो राम गर्ल है तो रीना और आपकी क्लास का नाम और जो सेक्शन हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे तो इस तरीके से ये नोटिस का फॉर्मेट रहेगा अगला क्वेश्चन आपका ग्रामर का क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड्स एंड फ्रेज टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पर आपको वर्ड्स जंबल फॉर्म में दे रखें आगे पीछे दे रखें लेकिन आपको क्या करना है उसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इज ऑब्लिक फेमस ऑब्लिक इट्स फॉर ब्यूटी ताजमहल इसको कैसे बनाएंगे मीनिंगफुल सेंटेंस ताजमहल इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी अगला क्वेश्चन क्या है डॉग ऑब्लिक राहुल ऑब्लिक विद हिज ऑब्लिक पैट

तो सबसे पहले रूल क्या हमारा हमको देखना होता है सब्जेक्ट देखिए अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो देखिए जहां पे अगर ही शी इट या फिर किसी का नाम हो तो वहां पे क्या होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो जहां पे सब्जेक्ट में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहां पर वर्ब में क्या लगेगा एस लगेगा तो क्या आएगा हमारा रिटर्न रर्न अ माइल एवरी अगला क्वेश्चन क्या हमारा द डॉग्स डैश ऑल नाइट अब ये क्या हमारा प्लूरल है जो हमारा सब्जेक्ट है डॉग्स है वो क्या है प्लूरल है तो प्लूरल में जो हमारा वर्ब की फॉर्म होगी वहां पर एस नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा द डॉग्स बाक ऑल नाइट ठीक है आपके पेपर का अगला सेक्शन लिटरेचर है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो और ये रहेगा आपका फाइव मार्क्स का आपको इस एक्सट्रेक्ट को अच्छे से पढ़ना है अंडरस्टैंड करना है फिर जो क्वेश्चन दिए गए उसका आंसर आपको इस एक्सट्रेट के अंदर से देना है सबसे पहले रीड करते हैं इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ थ्री क्रैक ऑफ ग्लास तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही कि जो शेड है उसके साइड में एक विंडो है जो बहुत ही ज़्यादा गंदी और पुरानी है और उसका जो ग्लास पैन है वो तीन जगह से क्रैक हो रखा है ग्लास पैन का मतलब होता है जो विंडो होती है उसके अंदर जो कांच होता है उसको कहा जाता है ग्लास पैन तो वो तीन जगह से क्रैक हो रखा है आई ऑफन थिंक देर स्टेरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास जब भी मैं वहाँ से निकलता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे वहाँ से घूर रहा है स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे एक दिन मैं जरूर उस विंडो के अंदर से झांक के देखूंगा पीप का मतलब होता है जाक, झांकना। तो मैं जरूर उस विंडो के अंदर से झांक के देखूंगा कि कौन मुझे वहां से घूरता है अब आपको इस एक्सट्रेक्ट में पांच क्वेश्चन पूछे गए पहला क्वेश्चन क्या है वॉट इज द स्टेट ऑफ विंडो ऑफ द शेड अगला क्वेश्चन है वॉट डज ही फील वैन ही पास अक्रॉस द शेड अगला क्वेश्चन है वॉट इज प्लानिंग फॉर वन डे नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द मीनिंग ऑफ staring एंड write द अपोजिट ऑफ डस्टी तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं वॉट इज द स्टेट ऑफ विंडो ऑफ द शेड शेड के विंडो की क्या कंडीशन है तो इसका आंसर होगा द ओल्ड विंडो वॉज डस्टी एंड हैज थ्री क्रैक ग्लास पेंस तो सबसे पहले क्या है कि वो बहुत ही ज्यादा गंदी है और उसका जो ग्लास पेंस है वो तीन जगह से क्रैक हो रखे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है डज यू फील वेन ही पास अक्रॉस द शेड तो वो साइड के पास से निकलता है तो उसको कैसा फील होता है तो इट सीम टू हिम दैट समवन वन स्टेयरिंग एट हिम ईच टाइम ही पासेज तो उसको ऐसा लगता है कि कोई वहाँ से उसको घूर रहा है अगला क्वेश्चन क्या है वॉट इज प्लानिंग फॉर वन डे एक दिन वो क्या करेगा तो इसका आंसर है ही प्लान दैट ही विल पीप थ्रू द विंडो ऑफ द शेड उसकी एक प्लानिंग है कि एक दिन वो ज़रूर उस विंडो के अंदर से झांक के देखेगा कि वहां पर अंदर कौन है अगला क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ स्टेयरिंग स्टेयरिंग का मतलब बताना है लुकिंग इंटेंटली मतलब कि, कि किसी को घूरना अगला क्वेश्चन है राइट द अपोजिट ऑफ डस्टी तो डस्टी का अपोजिट क्या होगा क्लीन अगला क्वेश्चन है आंसर एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग इन थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स ईच एक क्वेश्चन रहेगा आपका दो मार्क्स का आपको पांच क्वेश्चन करने हैं तो ये आपका टोटल टेन मार्क्स का है

सिंस द ब्लड डिड नॉट स्टॉप फ्लोइंग ही रीड्रेस द द बाउंडल इट स्टॉप ब्लीडिंग लेकिन कवर करने के बाद भी खून तो रुक नहीं रहा था तो राजा बार बार उस पर ड्रेसिंग किया जा रहा था जब तक कि ब्लीडिंग रुक नहीं जाती वैन द मैन फेल्ट बेटर ही गिव फ्रेश वाटर टू हिम अब उस आदमी को थोड़ा सा बेटर फील हुआ तो उन्होंने उसको पानी दिया बेड he to अब वो हर्मिट की हेल्प से उसको झोपड़ी में ले गया वहां पर उसको बेड पर लेटाया दिस इज हाउ द हेल्प द बाउंडेड मैन और इस तरीके से उन्होंने घायल आदमी की हेल्प की अगला क्वेश्चन है हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन अब आपसे पूछा जा रहा है कि रवि किटन के लिए किस तरीके से मिल्क लेके आए इसका आंसर होगा रवि इज ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द किचन सेइंग दैट ही वाज फीलिंग हंगरी देखिए वो डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता था कि किटन को पिलाना है तो उसने कहा कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है इसलिए उसको मिल्क चाहिए ही इवन ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू प्रूव पाती दैट ही वॉज इन डीड हंगरी अब उसने क्या किया कि जो दूध लेके आया था उसमें से बहुत सारा दूध तो उसने पी लिया ताकि वो प्रूव कर पाए पाती को कि उसको सच में भूख लगी है

वो अपने फेस को आधा शेव करता था बॉडी वो अपनी पूरी बॉडी पे राख को लगा देता था और तीसरा काम कौन सा था ही वो रेग्स वो फटे पुराने कपड़े पहनता था अगला क्वेश्चन है वाई इज इट नॉट गुड टू बी रिबेल पन सेल्फ आपसे पूछा जा रहा है कि रिबेल होना अच्छी चीज क्यों नहीं है तो रिबेल का मतलब क्या होता है देखिए सोसाइटी में कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती हम उसका अपोज करते हैं हमारा नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है हम चाहते हैं कि हम उसको बदल दें तो वो जो नेचर होता है हमारा उसको हम बोलते हैं रिबेल तो आपसे पूछा जा रहा है कि रिबेल होना अच्छी चीज़ क्यों नहीं है तो इसका आंसर है इट इज़ नॉट गुड टू बी रिबेल वन सेल्फ बिकॉज द सोसाइटी नेवर एक्सेप्ट अ रिबेल एक तो हमारी सोसाइटी कभी भी रिबेल को एक्सेप्ट नहीं करती है उनको लगता है कि जो रिबेल है वो गलत है एंड ऑलवेज क्रिटिक हिज बिहेवियर और उसके बिहेवियर के बारे में बातें बनाई जाती हैं कि वो अच्छा नहीं है वो खराब है वो गलत है इसीलिए रिबेल होना अच्छी चीज नहीं है अगला क्वेश्चन है वाई डज द पोइट से द स्क्यूरल वो है क्वेश्चन मार्क फोर टेल आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोइट ने स्क्यूरल की टेल के लिए ऐसा क्यों कहा है कि उसने क्वेश्चन मार्क को पहन रखा है या फिर उसकी टेल क्वेश्चन मार्क की तरह है। इसका आंसर होगा The poet says that the squirrel wore a question mark for tail because the tail of the squirrel curled like a question mark while he was sitting and eating a nut. तो देखिए, poet कहता है कि जब squirrel नट खाने के लिए बैठती है, तो उसकी टेल कैसी हो जाती है, कैसी कर्ल हो जाती है, एकदम question mark की तरह। तो इसीलिए poet ने कहा है कि squirrel डे क्वेश्चन में आपको पहन रखा है अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम आपसे पूछा जा रहा है कि करी ने अपने दोस्त को नदी में धक्का क्यों दिया इसका आंसर होगा करी पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम बिकॉज़ देयर वाज अनदर बॉय हु वाज ट्राउनिंग इन द रिवर करी ने अपने दोस्त को इसलिए नदी में धक्का दिया क्योंकि उस नदी के अंदर एक और लड़का नदी में डूब रहा था और करी चाहता था कि वो उस लड़के की जान को बचा पाए तो करी तो कुछ नहीं कर सकता था इसीलिए उसने अपने दोस्त को धक्का दिया ताकि उसका दोस्त उस लड़के की जान बचा पाए अगला क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो दो क्वेश्चन दे रखे हैं लेकिन और में है या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है या फिर ये वाला करना है दोनों नहीं करने और ये रहेगा आपका फाइव मार्क्स का क्वेश्चन लेकिन हम यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन क्या है एन आर्ट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल एक्सप्लेन जो आंट होती है उसकी लाइफ बहुत पीसफुल होती है किस तरह से होती है आपको एक्सप्लेन करना है तो इसका आंसर होगा ई चांस ड शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप तो देखिए हर एंट को अपना अपना काम दे रखा होता है तो हर आंट अपने शेयर का काम बहुत ही इंटेलिजेंटली और ब्रेवली करती है और अपने ग्रुप के मेंबर के साथ में वो कभी भी नहीं लड़ती नो वर्कर्स हैज एवर ट्राइड टू लिव इन शोल्डर्स हाउस तो कोई भी वर्कर एंड जो है वो शोल्डर एंड के घर में नहीं रुकती है नो शोल्डर्स हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड और जो शोल्डर्स एंड होती है वो भी अपना कभी भी छोड़ के नहीं जाती है सर्च करने के लिए नहीं जाती है, क्योंकि सर्चिंग उनका काम नहीं है नो वर्कर और शोल्डर्स और क्लीनर्स हैज़ एवर हार्म अ ग्रब कोई भी आंट हो चाहे वर्कर आंट हो चाहे शोल्जर आंट हो या फिर क्लीनर आंट हो वो गर्ब्स को नुकसान नहीं पहुंचाती है इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आंट की लाइफ होती है वो बहुत ही पीसफुल होती है क्योंकि सब अपना काम बड़े ईमानदारी के साथ में करते हैं और एक दूसरे के साथ में वो कभी भी नहीं लड़ती अगला क्वेश्चन है रविवास कॉन्फिडेंट एंड ओपिनियनेटेड डू यू एग्री और नॉट तो देखिए कॉन्फिडेंट का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होता है और ओपिनियेटेड का मतलब होता है जिसके जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं जिसके थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी होती है तो क्या आप एग्री करते हो कि रवि जो है वो कॉन्फिडेंट है या फिर नहीं है ओपिनियटेड है या फिर नहीं है तो इसका आंसर होगा रवि वॉज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड ही हैड गुड ऑब्जर्वेशन स्किल एंड पर्जेस साउंड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री तो देखिए रवि एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है और उसकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो भी बहुत अच्छी है और उसको हिस्ट्री की नॉलेज भी काफ़ी अच्छी है ही वॉज प्लेफुल बट हैड ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर वो बहुत ही चंचल है लेकिन जो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है ही मैनेज टू गेट मिल्क फॉर द किटन इन फ्रंट ऑफ पाती साइज देखिए वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसने पाती को बेवकूफ बना के वो किटन के लिए दूध लेके आ गया था ही ऑल्सो अप्लाइड हिज इंटेलिजेंस एंड गेव म्यूजिक टीचर चप्पल टू द बैगर उसने अपना दिमाग लगा के अपने जो उसका म्यूजिक टीचर था उसके चप्पल बैगर को दे दी थी ही वॉज काइंड एंड जेनरस वो बहुत ही काइंड और जेनरस है एंड रिमेंबर्ड द स्टोरी ऑफ करन विच रूकूमर्णी हैड टोल्ड हिम और उसने जो उसको कहानी भी याद है जो कि रुकमणि ने उसको करण के बारे में बताई थी कि यह करंट किस तरीके से जेनरेज था उसने अपना सब कुछ दे दिया था लोगों की हेल्प करने के लिए तो जो रवि है वो कॉन्फिडेंट भी है और ओपिनेटेड इंसान भी है सो so बच्चों आज की वीडियो में हमने इंग्लिश का सैम्पल पेपर सॉल्व किया आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है थैंक्स फॉर वॉचिंग